जसपुर जिले के विकास खंड दुलदुला के ग्राम पंचायत चराई डांड में अवैध पत्थर उत्खनन कर बेचे जाने का मामला सामने आया है। मामला ग्राम पंचायत चराई डांड विकास खंड दुलदुला का है, जहां पत्थर माफियाओं का बल्ले बल्ले चरम सीमा पर है। यहां के शासकीय संपत्ति को रखवाला करने वाला कोई नहीं दिखाई देता है, न ही कोई जिम्मेदारी समझने वाला है। यह इसलिए कहना उचित होगा कि चराई डांड में खिलाड़ियों के खेल भावना को विकसित करने की दृष्टि से पूर्व में एक बड़ा स्टेडियम निर्माण सरकार द्वारा ऐसे पथरीला जगह पर कराया गया है कि मैदान बनाने एक तरफ तो मिट्टी है, लेकिन दूसरी तरफ मुरा एवं पत्थर काटकर मैदान समतलीकरण किया गया है। जब से यह स्टेडियम बना है तब से आज तक इसमें खेल का आयोजन नहीं हुआ है। कारण कि सरकार का लाखों रुपए लगाने के बाद भी मैदान खेल खेलने लायक नहीं बना और उसका उपयोग समय समय पर ग्राम पंचायत द्वारा ठेकेदारों को सामग्रियों का भंडारण के लिए गाँव वालों को यह कहकर दिया गया कि ठेकेदार से ग्राम पंचायत तय किया गया है कि मैदान में अभी ठेकेदार अपना निर्माण सामग्रियों को डंप करेगा और उसके बदले में गांव वालों के लिए मैदान को खिलाड़ी खेल सके ऐसा बना के देगा और खिलाड़ियों को उस मैदान में खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यह विश्वास आम आदमी को पंचायत द्वारा दिया गया। NH 43 कुनकुरी सलिया टोली से जसपुर तक रोड निर्माण हो रहा था तो रोड निर्माण कंपनी शिवालिया को सामग्रियों को डंप करने के लिए ग्राम पंचायत चराई डांड द्वारा जगह दी गई थी और स्टेडियम में सड़क निर्माण कंपनी वाले निर्माण सामग्रियों का भंडारण भी किया गया था। NH 43 सड़क बनकर तैयार भी हो गया है और शिवालिया सड़क निर्माण कंपनी अपना सामग्री का उठाव भी कर लिया, लेकिन गांव वालों को कुछ भी नहीं मिला। स्टेडियम और खराब हो गया, बल्कि स्टेडियम के बगल में देउर सांड मोहल्ला का मरघट स्थान पर लगा हुआ पत्थर को भी शिवालिया कंपनी वाले बारूद ब्लास्ट कर तोड़फोड़ किए और किसी कारणवश वहां से पत्थर उठाव नहीं किया गया और पत्थर वहीं ढेर पड़ा रहा, जो आगे चल के पत्थर माफिया का भेंट चढ़ गया है। वर्तमान समय में वह पत्थर का ढेर खदान का रूप ले लिया है। वहां का पत्थर काटने वाला मजदूर जयपाल राम का कहना यह है कि हम सरपंच के सहमति से पत्थर काटकर साइज पत्थर बना रहे हैं और बेचते हैं और ग्राहकों को सस्ते में पत्थर देते हैं। कुछ ग्रामीणों द्वारा पत्थर काटने व बेचने के लिए मौखिक रूप से यह कहकर मना किया गया था कि यह शासकीय संपत्ति है और इसका उपयोग व्यक्तिगत हित लाभ के लिए नहीं किया जा सकता है। यदि कभी भविष्य में सार्वजनिक हित में पत्थर का कोई काम पड़ता है तो सर्वसहमति से पंचायत द्वारा विधि सम्मत प्रस्ताव पारित कर शासन से अनुमति लेकर सार्वजनिक उपयोग के लिए दिया जा सकता है। व्यक्तिगत हित लाभ या बिना सर्वसहमति बिना पंचायत प्रस्ताव एवं शासन के बिना अनुमति पत्थर काटना बेचना अवैध होगा, लेकिन पथेरा वही पत्थर माफिया द्वारा पत्थर उत्खनन कर बेचे जा रहे हैं। स्थिति अब यह है कि पत्थर आधा से अधिक बिक चुका है। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन क्या कार्यवाही करती है। दुलदुला से कर्नेल सिंह की रिपोर्ट। पत्थर उठावे उठाई के देख तो पता चल जाएगी, उठा ने उठाई के देख गाड़ी सही तक नहीं भितरवाऊ अंदर तो लड़ा देखबे फिर तो जाने तो ना भितरवाई दे तब कौन मना करत तो चल ठीक है उठा ने तब ले लगा तो मैं हिसाब वीडियो बनाई तो मामा जबरदस्ती पत्थर उठा माइनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, फोटो खींच लो उनका भी, वो माइनिंग करवा रहे हैं। कौन माइनिंग करवा का कहे तो वही नहीं करवा दी पत्थर फुटा दे मैं तो वही करते है। कौन फसल फोड़ रहा है उसका भी फोटो खींच लो, और कौन ट्रैक्टर वाला उसको भी बुलाओ यहाँ पे सामने खड़ा करो, ट्रैक्टर का फोटो खींचो नंबर सही। तो के पत्थर चाहिए तो के नहीं मिले तो उंगली करो नहीं। हाँ वही बात है कि नहीं वो बात ना के हमर मर घटी करी के तो मैं यूज कर अपन काकरो ना लगे। ये अगर कोई मियां मन करो तो नहीं कुछ यहाँ पत्थर उठा के नहीं देता, ये हिंदू मन करी के खदान ना लगे, ये शिवालिया कर शिवालिया का हमें साइन करके हमें दे रहा हूँ। मतलब तो फोन में बात कर रहे मोर से मुके रिकॉर्डिंग है तो के चाहिए पत्थर नहीं चाहिए कर लेते हैं उंगली कर ऐसे बात ना वो है बात है अभी रिकॉर्डिंग अभी की रहा हूँ मोर जगह कर पत्थर मुके चाहिए मुके बेचना ना बाउंड्री ले पत्थर फ्री में चाहिए तो के फ्री में कहा चाहिए हमको बात है क्या मुके अगर काम करो हम ककरो से तो फोकट में करी का वो इसको बुलाए जयपाल को पत्थर फोड़ने वाला को और ट्रैक्टर को खींचे वहाँ पे सामने से किसका ट्रैक्टर है नंबर का है उसको देखिए सामने से पिछवाड़ा में तो रहता नहीं नंबर ही नहीं है कहाँ नंबर है कि तोर गाड़ी का ये गाड़ी दुनिया जाना था ना ईशान वन कर रहा सरपंच का रखे अरे काकरो रहे नंबर बता लेकिन नंबर आइजले में नखे देखा लेकर के मैं तो नंबर बताया ना गाड़ी चला अरे नखे देखल कहो तो नहीं ये सेकंड हैंड गाड़ी है ये तो यार ले मैं गांव में करे चला रहा हूं पत्थर जाते हैं। अरे
बाउंड्री करवाना खुद अपन मरघट के जाए के देख तो मुसलमान करके मरघट के पत्थर फोड़बे सकबे हले मार्गट मोर ही के भाई मोर क्षेत्र ही के तो मैं बाउंड्री करो हम के रखा ले शिवालय फुटा ले नहीं रिजेक्ट कर ले बात खत्म ये अपन मर्जी।